नर्सेज एसोसिएशन जिला अस्पताल अनूपपुर द्वारा आज धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने से आज 30 जून से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। एसोसिएशन ने यह धरना जिला अस्पताल के सामने ही दिया है। धरने के दौरान स्टाफ नर्सों ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान के नारे भी लगाए। एसोसिएशन का कहना है कि यह धरना मांगों को पूरा कराने तक जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण का भी समर्थन मिल रहा है। अभी ज़िले भर में नर्सिंग स्टाफ 154 के करीब बताया जा रहा है, जिसमें अकेले ज़िला अस्पताल में 95 के लगभग स्टाफ मौजूद है। नर्सों के हड़ताल में जाने से ज़िले भर की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है। हड़ताल में मौजूद नर्सों का कहना है कि प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तरह वेतन नहीं दे रही है, जबकि कोरोना काल में सभी नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पूरी की है, मगर सरकार उनकी मांगे नज़रअंदाज कर रही है। साथ ही पुरानी पेंशन लागू किया जाने, कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान ख़त्म हुए स्टाफ के परिजनों की नौकरी दिए, प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने, अस्थायी नर्सों को नियुक्त किए जाने, समान वेतन दिए जाने की बात अपने ज्ञापन में कही है। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो 12 सूत्रीय मांग है जो प्रदेश स्तर से चल रहा है, जैसे हम लोग का मांग सेकेंड ग्रेड का है और पेंशन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का, और मेल नर्स की भर्ती की जाए जो रेगुलर स्थाई स्थाई करने की मांग है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? सर, हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अगर मांगे पूरी हो जाती, प्रदेश से संदेश मिल जाता है कि मांग पूरी हो गई, तो अपनी हड़ताल नहीं होती है तो फिर आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।